थाना एलाउ क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद मायके पक्ष के लोगों की ओर से दहेज के चलते हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया और जमकर हंगामा काटा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका को सबको कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया। बता दें कि पूरा मामला थाना एलाउ क्षेत्र के ग्राम परिमा से जुड़ा है। यहाँ के रहने वाले ब्रजेश कठेरिया के पुत्र गौरव कठेरिया का विवाह बीते 3 वर्ष पूर्व जनपद इटावा के थाना बैतपुरा के ग्राम चितौनी निवासी 22 वर्षीय निशापुती दशरथ सिंह के साथ हुआ था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद मायके पक्ष के लोगों की ओर से दहेज के चलते हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया है। मायके पक्ष के लोगों ने बताया है कि उन्हें 26 जून को शाम 11 बजे गांव की किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्री की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग गांव पहुंचे तो गांव में सभी ससुराली जन फरार थे। घर पर ताला लगा हुआ था और पुलिस मृतका के सबको लेकर पोस्टमार्टम हाउस जा रही थी। रास्ते में उन लोगों ने सबको देखा, जिसके बाद हंगामा काटना शुरू कर दिया। जैसे चीफ ट्रैफिक पुलिस ने मामले को शांत किया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम पर मौजूद मृतका के मायके पक्ष के लोग क्या कहते नजर आए, जरा आप भी सुनिए। ये मृतका आपकी कौन थी? भतीजी थी। कैसे मौत हुई, क्या हुई, पूरी बात बताइए। ये बात का साहब, ये दहेज के खातिर ज़्यादा टॉर्चर करते थे। करीब 3 साल हुई शादी करे है ना, तो दहेज के खातिर ये टॉर्चर करते थे। वो घर पे आती थी, बोलती थी कि चाचा ये मांगते वो मांगते, और दहेज के खातिर उन लोगों ने उसकी हत्या की। दहेज के चलते मार दी। आप लोगों को क्या जानकारी मिली? हम लोगों को करीब 11 बजे जानकारी मिली है कि आपकी लड़की मतलब फांसी पर। अदर लोगों ने, किसी मोहल्ले वाले ने, गुप्त लोगों ने मेरे पास सूचना की कि आपकी लड़की को इन लोगों ने फांसी में लगा दी। तो फिर वाके बाद में हम जब यहाँ आए हैं तो यहाँ गांव के बाहर हमें बॉडी मिली है। बॉडी आपको गांव के बाहर? गांव के बाहर प्रशासन लेके आ रही थी, गांव के बाहर बॉडी हमको। और घर वाले सब ससुराली जन? ससुराल वाले सब फरार हैं, वो लोग यहाँ नहीं, सब घर पर ताला डला है, कोई नहीं रह रहा।